नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रही सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ जानेंगे देश विदेश का हाल। तो डालते हैं सबसे पहले मुख्य सुर्खियों पर नजर। पंजाब में जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव सितंबर में होंगे। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी, एक साल पहले खत्म किया गया था कार्यकाल। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। हाईकोर्ट ने कहा ऐसा नहीं लगता उनकी गिरफ्तारी बिना वजह हुई। अग्निवीरों की दहशत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार। पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी, माता पिता को 5 लाख मिलेंगे। वायनाड लैंडस्लाइड हादसा, मौत का आंकड़ा 402 पहुंचा। सर्च ऑपरेशन का आज 8वां दिन, 180 लोग अभी भी लापता। पूजा खेड़कर यूपीएससी सिलेक्शन रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। आयोग ने आईएएस पद छीना, एग्जाम देने पर भी रोक, पहचान बदल कर दी थी परीक्षा। रील बनाते हुए हुआ हादसा, झरने में उतरा युवक 150 फीट नीचे गिरा। दोस्त के साथ पिकनिक मनाने गया था, जंजीर को पकड़ने के बावजूद भी तेज बहाव में बह गया। बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी हुए गिरफ्तार, अनंतनाग में 3 और पुलवामा में 2 आतंकी हुए गिरफ्तार। राजौरी अखनूर में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। सांसद के मानसून का सत्र, 12वां दिन इंडिया ब्लॉक में बीमा से जीएसटी हटाने के लिए प्रदर्शन किया। वक्फ एक्ट संशोधन बिल आ सकता है। हिंसा के बाद बांग्लादेश पीएम हसीना ने इस्तीफा दिया। देश छोड़ा, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची। पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा करने का दिया आदेश। ओलंपिक में भारत जर्मनी हॉकी सेमीफाइनल आज, भारत जीता तो 40 साल बाद फाइनल में पहुंचेंगे। हरमनप्रीत टॉप गोल स्कोरर बन सकते हैं। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगी और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए एसएमजेड न्यूज इंडिया।